इन दोनों में से काम करने वाला कौन है मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये दोनों की दोनों निकम्मे लगते हैं, एक नंबर के निकम्मे दोनों। सर अभी 4 दिन से कुत्ता मरा पड़ा था वार्ड नंबर 14 में। रात को मैं खाली पेट गया तो उल्टी हो गई। मैं अपने माजी MLA से भी कहना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई से, कि तेरी मेरी बंद कर दे, हार गया ना, अब तू इनको काम करके इनकी औकात बता भैया। इम्तिहान की स्टेप है, इंटरव्यू ले रहे हैं, अपना टेस्ट कर रहे हैं, कह दबे कूदा था गटरिया में। शो के मेहमान अजीज रिजवान साहब बैटरी वाले हमारे साथ मौजूद है। मुझे तो ये नहीं लगता कि रिजवान साहब को लेकर मुझे शहर वालों को बताना चाहिए कि रिजवान साहब कौन है और क्या करते हैं। रिजवान साहब, शहर की हालत बद से बदतर है, ये तो पूरा शहर जानता है, लेकिन आज आपने पूरे कॉरपोरेशन को क्यों घेरा था? सर, बुनियादी पायाभूत सुविधा जो है ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि आवाम को बिना कुछ बोले, बिना किसी किस्म का प्रोटेस किए, बिना कोई आंदोलन किए उनकी ज़रूरत को पूरा करना। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुजाफाती इलाकों के अंदर जो हदवाड़ में आज जो इलाके आए 10 साल के करीब हो गए। महानगर पालिका ने ये ऐलान किया था कि जो 3 इलाकों को, दरेगांव, सोएगांव और रमज़ानपुरा, इन पट्टों को जो हदवाड़ में लिया गया था, मालदा सिवार, इन आवाम से उस वक्त तक का टैक्स नहीं लिया जाएगा जब तक महानगर पालिका इन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात ना दे दें। जैसे कि सर, आवाम की ज़रूरत क्या है बस्ती वालों की? सड़क, गटर, लाइट, नल, इतना ही तो मांगते हैं। लेकिन महानगर पालिका वो कुछ भी नहीं करी। कच्चे इलाकों की हालत तो ये है कि जानवर भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता जैसे हमारे लोग रह रहे हैं। आज पक्के इलाकों की बात कर लीजिए सर, आप बड़ा कब्रस्तान, हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रस्तान के सामने की सड़कें ऐसी फूट गई है। कल एक खातिन का घोड़ नस में लग गई, उसकी घोड़ नस कट गई सर, पूरी को ऑटो कंसल्ट वालों ने लेके भागा उन्हें। शहर का एक इलाका भी सही नहीं है, क्या किया जाए? उस बिना पे बार बार चेतावनी देने के बावजूद महानगर पालिका की आँख नहीं खुल रही है। आज पूरे मुल्कों में, पूरे वर्ल्ड में महामारी मची हुई है। आज पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र इस चीज़ को लेकर के परेशान है, कोरोना को। और उसी महाराष्ट्र का एक हिस्सा हमारा मालेगांव शहर, जिसे बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई सर, मालेगांव के मुसलमानों को। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में चाइना ने नहीं, हमने ही कोरोना फैला दिया है, इस तरीके का वाबिला। लेकिन आप देखेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक का हमारी आवाज़ जा रही है, मैं लोगों को बताना चाहूँगा सर कि हमारे मालेगांव शहर के जैसी आवाम तो पूरे देश में कहीं नहीं है। ऐसी कोरोना की महामारी सर, रमज़ान घर में, ईद घर में, माँ बहनें अपने बच्चों को कपड़ा नहीं लेने देती, घरों में बैठे, सारी नमाजें घरों में, दुगाना घर में, बकरीद घर में, बकरीद का दुगाना घर में। आज क्या ज़रूरत पड़ गई उन माँ बहनों को सड़कों पे आने की? महानगर पालिका कोई सुविधा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है, सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है मालेगांव शहर को। मालेगांव शहर की आवाम आपको सब तरीके का ताउन कर रही है, कॉपरेट कर रही है, उसके बावजूद आपकी इतनी बातें मानने के बाद आज क्यों आई वो रोड पे? तो सरकार को इसकी चौकसी करनी चाहिए कि यहाँ ज़रूर कुछ दाल में काला है। यहाँ के MLA की कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? अक्सर मतलब जनता को ही अपने मसाइल लेकर कॉरपोरेशन तक जाना पड़ा, जनता को ही अपने मसाइल लेकर हर छोटे बड़े नेताओं तक जाना पड़ा, तो इनका हमदर्द कौन है? 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर इन्हें असेंबली भेजा है लोगों ने, क्यों? क्योंकि शहर तरक्की चाहता है, शहर डेवलपमेंट चाहता है।
लेकिन शहर की हालात बद से बदतर हो रही है। सर ऐसा है ना, हमारे जो MLA है ये 2-in-1 है, अकेले नहीं MLA भी है, इनके 20-22 कारपोरेटर भी है। MLA होते तो मैं नहीं समझता कि यार चलो हर चीज़ में उनको मुंह डालना चाहिए, एक जो MLA का काम हो उस लेवल पे वो अपना काम करे। लेकिन सर MLA प्लस कारपोरेटर, और यही नहीं यहाँ के जो भी रहे उनके नसीब ऐसे ही रहे, MLA भी वही रहे हैं, मेयर भी उनके घर के रहे हैं, स्टैंडिंग भी उनके घर की रही है। लेकिन ये मालेगांव शहर की आवाम की बदकिस्मती कि यहाँ के तमाम लीडरान सवाए आवाम को बेवकूफ़ बनाने के दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहे। 1 लाख से ज़ायद वोट ले जाने वाले हमारे आमदार साहब, 300 सदस्य वोट दिए भाई मालेगांव शहर की आवाम ने रिजवान बैटरी वाले को। मैं सलाम करूँगा आपको, मालेगांव शहरियान को सलाम करना चाहूँगा कि 367 वोट दिए उसका हक अदा कर रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। सर वादा किया था, ये मैंने वादा किया था आपके, आपने भी कड़वी बातें पूछी थी मेरे से कि क्या खाली इलेक्शन पोता ही है क्या, है ना। तो ये तो शहर की अब आवाम जाग रही है, आप जो सवाल कर रहे हैं ना सर, ये आवाम जाग रही है कि हमारा MLA क्या कर रहा है, माजी MLA क्या कर रहा है, कारपोरेटर क्या कर रहे हैं, MLS क्या कर रहे हैं, मेयर क्या कर रहे हैं। आवाम पूरी तरीके से परेशान है। मैंने माजी में कुछ चैनल पे कहा कि ये लोग शौकन की तरह लड़ रहे हैं। आज ही MLA माजी MLA दोनों का सवाल जवाब का मामला चालू है काफ़ी ज़ोरों शोरों से वोटर लिस्ट को लेकर, तो इस पर आप अपनी क्या बात रखेंगे? सर वोटर लिस्ट का जो मामला है ये प्रांत साहब जाने, इलेक्शन कमिश्नर डिपार्टमेंट के लोग जाने। अगर जो सर वोटर लिस्ट में किसी का डबल नाम है, बिलफर्ज मेरा 3 नाम है, मैंने बढ़ाया है तो मैं गुनहगार हूँ, मैं 3 जगह जाके मेरा नाम दिया है तो मैं गुनहगार हूँ। अब अगर जो वोटर लिस्ट में उनकी तरफ से आया है तो ये गलती उनकी। मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, मेरी एक बहन का साजिया मोहम्मद सलीम नाम है और उस पर फ़ोटो लगा एक जेंट्स का, तो मैंने तो नहीं लगाया, शहर की आवाम ने तो नहीं लगाई। लेडीज़ की वोटर पे जेंट्स का फ़ोटो, जेंट्स की वोट पे लेडीज़ का फ़ोटो, लेडीज़ के नाम की जगह दादा का नाम, दादा के नाम की जगह नवासी का नाम, ये सारी गलतियाँ किसकी? यहाँ के इनको, ये लोग तो मैंने कहा ना सर ये दोनों शौकन की तरह लड़ रहे। मैं बहुत पहले इनको लेटर दे चुका हूँ कि आप अपनी गलतियों को सुधारो। उन लोगों को बैठाइए डिपार्टमेंट के लोग जो मुस्लिम लोगों की जबान को समझे। आप वो नाम बोलते हैं कुछ, आप लिखते हो कुछ, फिर NRC में लेके आ जाते उठा के, आप देखिए आपने ये लिखाया था वो लिखाया था। इनकी ज़रूरत है वो सब दुरुस्त करना, ना कि ये सब चीज़ों को लेके लड़ना। हमेशा से आप मालेगांव शहर वालों के लिए लड़ते आए हैं और जो काम आपने किए हैं वो चाहे मालेगांव शहर का कोई भी नेता हो कितना ही बड़ा छोटा हो, वो ज़मीन लेवल का काम नहीं कर सकता। अगर कहीं गड्ढा हो, गटर हो या पानी जम रहा है, कोई नेता उसमें जाएगा नहीं और प्रशासन को बताएगा नहीं, ये काम आपके सिवा कोई कर नहीं सकता। बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके जाने की वजह से फौरन प्रशासन ने एक्शन लेकर उन कामों को किया, लेकिन फिर भी जनता आपसे वफादारी क्यों नहीं करती इलेक्शन के वक्त? अब इससे ज़्यादा वफादारी क्या चाहिए? 367 वोट मिली ना, अब उनसे क्या 10,000 मांगूँ, 1 लाख मांगूँ, 10 लाख मांगूँ? स्टेप है ना सर, इम्तिहान की स्टेप है, इंटरव्यू ले रहे हैं, अपना टेस्ट कर रहे हैं, कायदा पे कूदा था गटरिया में, है ना। ये आवाम अब फैसला करे, मालेगांव शहर की आवाम, यहाँ के तमाम सियासी लीडर ना अहल, निकम्मे, नाकारा है, इन्हें सियासत से संन्यास ले लेना चाहिए। और थोड़ी सी भी शर्म है इन लोगों में तो कौम का, शहर का, आवाम का काम करके बताए कि देख तूने रुपया किया, मैं 100 रुपया किया, अब तेरे अंदर दम है तो तू इतना करके बता। शहर की आवाम इनके खट्टे कराने सुनने नहीं बैठी है, आज उसी का नतीजा है सर कि हजारों मेरी माँ बहनें एक गरीब रिजवान बैटरी वाले के बोलने पर उतर गए।
रोकना पड़ा मुझे रात को 2 बजे तक जाके सर लोगों को कि घरों से मत निकलो, कमिश्नर काम करने को तैयार है तो इतने लोग आए, अगर जो मैं नहीं कहा होता तो क्या होता था, आज सब जेल जाने के लिए तैयार। सर ये बेकार बातें हैं हमारे, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा हमारे आजी MLA साहब से, अल्लाह ने आपको बेपनाह सलाहियत दी है, आप सलाहियत का एक खजाना हो, आप अपनी सलाहियत का सही इस्तेमाल कर लीजिए, और आपको शहर की आवाम ने दोबारा चांस दिया है उसका आप कुछ ना कुछ फ़ायदा शहर को दीजिए। मैं अपने माजी MLA से भी कहना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई से, कि तेरी मेरी बंद कर दे, हार गया है ना, अब तू इनको काम करके इनकी औकात बता भैया। सर अभी 4 दिन से कुत्ता मरा पड़ा था वार्ड नंबर 14 में, रात को मैं खाली पेट गया तो उल्टी हो गई, 4-4 कारपोरेटर इनके कुत्ता नहीं उठवा सकते, कुत्ता रात को 10:30 बजे कुत्ता उठवाया हूँ, बदबू सर जो खड़ा हो रहा है वो उल्टी कर दे रहा है। अरे भाई कुछ आपके पास इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं है? इन्हें अब ज़रूरत है कि ये होश में आ जाए, आवाम इनकी नौटंकी देख रही है। मैं इन दोनों में से काम करने वाला कौन है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये दोनों की दोनों निकम्मे लगते हैं, एक नंबर के निकम्मे दोनों। सर आवाम चाह रही है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले वक्तों में तो बोरिया बिस्तर लपटाएंगे इनका। चलो बहुत बहुत शुक्रिया।